हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपको लेके जाएंगे मोबाइल का जो सस्ता मार्केट है, जो मोबाइल के एक्सेसरीज मिलते हैं या और मोबाइल के कवर्स हो गए, बैटरी हो गई, स्क्रीन गार्ड हो गया, बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। और ये कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ। ये सहारा मार्केट है, मनीष मार्केट है, तीन चार मार्केट जो एक साथ आसपास लगते हैं यहाँ पर और जो साथ में ही हैं। तो ये है आपका CST में आता है। अगर आप CST उतरकर आप अगर पीछे आएंगे, आप मस्जिद बंदर की तरफ आएंगे, तभी आपको मार्केट ये दिख जाएगा। अगर आप चर्च गेट से आ रहे हैं तो आपको मरीन लाइन उतरना पड़ेगा। मरीन लाइन उतर के आप मंगलदास मार्केट बोल सकते हैं, वहीं से पास में ही है, केवल 5 मिनट की दूरी पर है। आप अगर वेस्टर्न से आ रहे हैं तो आपको वेस्टर्न से बड़ा आसान पड़ेगा। अगर आप सेंट्रल से आ रहे हैं तो आपको सेंट्रल से भी बड़ा आसान पड़ेगा। अगर चर्च गेट से आ रहे हैं डायरेक्ट चर्च गेट उतर के, तो आपको सीधा आना पड़ेगा CST, फिर CST से फिर थोड़ा सा आपको आना पड़ेगा मस्जिद बंदर की तरफ, यानी मंगलदास मार्केट की तरफ, क्रॉफर्ड मार्केट की तरफ, तभी आपको ये मार्केट मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर बैटरी, कवर, मेमोरी कार्ड और बहुत प्रकार के जो मोबाइल एक्सेसरीज है यहाँ पर होलसेल प्राइस से मिलते हैं। मेमोरी कार्ड मिलता है यहाँ पर सैंडिक्स के हो गए, बहुत सारी कंपनियाँ हो गए, ERD की बैटरी हो गई, एयरफोन्स हो गए, चार्जर हो गया, बहुत सारी है। और मोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं, जो भी मोबाइल आपको उसके पार्ट्स चाहिए तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। देखिए ये और एक गली हम दिखा रहे हैं, ये सहारा मार्केट का ही है और ये इसी सहारा मार्केट के अंदर ही ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पर सब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना पड़ेगा, मतलब आपको 3 पीस, 6 पीस, 10 पीस, 20, 50 पीस इस हिसाब से लेंगे, तभी आपको ये माल आपको ये देंगे। और 1 पीस अगर आप लेंगे तो वो पूरा रिटेल का प्राइस लगाएंगे जी। ये मनीष मार्केट के सामने ही जो आप देखेंगे पीछे, मनीष मार्केट के जो ठीक सामने, मतलब आपका राइट साइड, लेफ्ट साइड में ये मार्केट दिख जाएगा। ये इसकी हम गली में जा रहे हैं और इसी गली के अंदर ये सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सहारा मार्केट है और ये सहारा मार्केट के यहाँ पर जो भी इनके जो कस्टमर्स होते हैं बहुत ज़्यादा करके फिक्स ही होते हैं, और जब आप रिटेल लेने आएंगे तो वहाँ पर ही आपको दे देंगे, लेकिन उस हिसाब से चार्ज लगेंगे। अब अगर आप 1 पीस लेने आए हैं तो आप उसके साथ 2 पीस लीजिए आप, या 3 पीस लीजिए, तो आपको उसी रेट में पड़ेगा। जितना वो 1 का कॉस्ट लगाएंगे उतने में आपको 3 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ये मत बोलिए कि मुझे रिटेल चाहिए। अगर आप बोलेंगे मुझे 1 पीस 2 पीस चाहिए ना, तो ये आपको समझ जाएंगे कि आप दुकानदार नहीं है, आप कोई आपका बिजनेस नहीं है। तो आप यहाँ पर जब भी आइएगा तो आप बोलिएगा बिजनेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ज़रूर इस मार्केट में आइएगा, आपको सारी चीज़ें होलसेल की प्राइस की मिलेगी। अगर आपके आसपास की कहीं होलसेल मार्केट है तो उससे ये थोड़ा सस्ता है, ये बहुत सस्ता है। इस मार्केट में मैं करीबन 8-10 साल से आ रहा हूँ तो मुझे इसका नॉलेज है, और इस मार्केट में सारी चीज़ें मिलेगी आपको। और इसी के ठीक अभी जब हम बाहर निकले ना, इनके आजू बाजू में आपको ना बहुत सारी चीज़ें दिख जाएगी, आपको मोबाइल मिल जाएंगे। तो आप बात करने में ज़्यादा फ्लुएंट रहिए, आप अच्छे से इनसे बातें करें। और देखिए ये सब माल लेकर जा रहे हैं, भर भर कर लेकर जा रहे हैं, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, वेस्टर्न साइड से आते हैं, सेंट्रल साइड से आते हैं, दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, यहाँ से माल लेकर जाते हैं। ये सारे माल कहाँ से आ जाते हैं मैं आपको बता दूँ, ये सारे माल दिल्ली से आते हैं, करोल बाग से आते हैं, ये दिल्ली का सारा है माल है, और बेंगलुरु से भी आते हैं। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर अगर एक चार्जर की कीमत 80 रुपये है, तो दिल्ली में उसी चार्जर की कीमत 40 रुपये, यानी आधा। अगर एक स्क्रीन गार्ड, अगर आप कवर लेना चाहते हैं यहाँ पर, जो उसकी प्राइस आपको 25 रुपये मिलेगी, तो वहीं दिल्ली में उसकी प्राइस आपको 8 से 10 रुपये मिलेगी। तो जो भी भाई माल आता है वो सब दिल्ली से आता है। तो ये सारा बड़ा सा मार्केट है जो मुंबई का सेंट्रल वेस्टर्न दोनों आप चाहे तो उसे आप काउंट कर सकते हैं। ये टाउन का सबसे बड़ा मार्केट है सहारा मार्केट। और इसी के ठीक सामने हमने आपको मनीष मार्केट वीडियो दिखाया था, उसके अंदर हमने बताया था मोबाइल की होलसेल की दुकान। तो ये सहारा मार्केट है, यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है। और बात करने में आप बहुत अच्छे रहिए इनसे, और इनसे 1 पीस तो आप मत बोलिए। अगर आप एज ए रिटेलर, अगर आप एज ए पहली बार यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं तो या है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इस मार्केट में आप दिल खोलकर आप बात करें, और दिल खोलकर इनको बोले कि ठीक है हमें बिजनेस के लिए चाहिए और हमें दुकान के लिए चाहिए। इनसे 3-4 पीस आई पूछेंगे आपका दुकान का है, तो आप उनको बोलिए कि फलाने जगह पर हमारा दुकान है और फलाने जगह पर सारी चीज़ें हैं जी। तो यहाँ पर आप आकर यहाँ मार्केट में आप सब कुछ ले सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं इस मार्केट में आपको क्या क्या मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मार्केट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बॉम्बे का पुराना मार्केट है। यहाँ पर मोबाइल से लेकर सारे मोबाइल के आपके सारे चीज़ें मिल जाएगी, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये मनीष मार्केट के सामने ही ठीक सहारा मार्केट है, और सहारा मार्केट का ये हम आपको गली दिखा रहे हैं।
ठीक है, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, अंदर हम शूट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने आपके लिए ये वीडियो रिक्स पर बनाया है। तो मेरे सामने जो दिख रहा है, ये जो लाल कलर देखिए, ये बिल्डिंग जो दिख रही है वो है मनीष मार्केट, और इसमें इसी के सामने ये कियारा मार्केट भी है, सहारा मार्केट भी है, सारे मार्केट यहाँ पर साथ में है। आप कभी भी आ रहे हैं यहाँ पर, आप 5,000 से ला करके भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप 10,000 से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर से माल ले जाकर आप बेच सकते हैं, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ये हमने आपको दिखा दिया मोबाइल्स के सारी चीज़ें कहाँ मिलती है, मोबाइल की सारी चीज़ें यहीं पर ही मिलती है, सारी एक्सेसरीज ये सब कुछ आपको यहीं पर ही मिलेगी, और आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस मार्केट में आपको हर एक मोबाइल पार्ट्स मिल जाएंगे, हर एक चीज़ जो आप चाहते हैं आपको यहाँ पर यह मिल जाएगा। यह मार्केट सुबह 9 बजे के बाद खुलती है और 9 और 10 बजे के बाद खुलती है, और 2 बजे के बाद यहाँ पर ना प्राइजेस चेंज होने लगते हैं कभी कभी, जो चीज़ आपको अगर 47 में मिली है तो वो कभी आप आएंगे अगर 2 घंटे के बाद, अगर दोपहर के बाद, तो वो 48 या 49 रुपीज़ की देंगे जी। तो ये मेरे लेफ्ट साइड में ये रिटेल मार्केट आप देख रहे हैं, यहाँ पर मोबाइल्स के भी सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन यहाँ के जो मोबाइल लोग बनाते हैं वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता, ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है, तो आप अच्छी जगह पे बनाएंगे, यहाँ पे सारे मोबाइल्स और सब कुछ बनते हैं। तो मोबाइल के ये एक्सेसरीज मार्केट था और ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम निकल रहे हैं इसी के साथ बाहर, और इस मार्केट से बाहर निकल रहे हैं तो मेरे लेफ्ट साइड में है मनीष मार्केट, राइट साइड में सहारा मार्केट, कियारा मार्केट, सारा मार्केट यहीं, यानी मोबाइल के सारे मार्केट यहाँ हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।